नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़कर साइंस चैनल में। करंट अफेयर की श्रृंखला में आज हम देखेंगे प्रमुख सूचकांकों के बारे में, क्योंकि परीक्षा में सूचकांक से प्रश्न जरूर आते हैं। तो आइए देखते हैं प्रमुख सूचकांक कौन कौन से। तो शुरुआत करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 से। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 138 है। प्रथम पे कौन है? नॉर्वे है। अंतिम पे कौन है? उत्तर कोरिया है। दूसरा हम देखेंगे विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2018। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 133 है। प्रथम पे फिनलैंड है, अंतिम में बरुंडी है। तो आप देख रहे होंगे ऐसे सूचकांकों में नॉर्वे हो गया और फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, ये सब बहुत ही अधिक पहले स्थान पर रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में, जैसे मैंने बताया था कि हर एक वीडियो में मैं मैपिंग का कोई एक सेक्शन लेकर के आऊँगा, तो इस वीडियो में हम नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह मतलब उत्तरी यूरोप के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं उत्तरी यूरोप के बारे में। तो ये मैप बना हुआ है, ये उत्तरी यूरोप का मैप है। उत्तरी यूरोप में मैंने देश बनाए हुए हैं कौन कौन से। तो शुरुआत में मैं आपको पहले देश बता दूं, तो सबसे पहले ऊपर की तरफ बना हुआ है नॉर्वे, नॉर्वे के बाद यहाँ पे स्वीडन है, ये वाला फिनलैंड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एस्तोनिया है, फिर लाटविया है, फिर लिथुआनिया है, ये थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है ये रूस का हिस्सा है, और ये आप देखेंगे तो पोलैंड है, ये वाला जर्मनी है, जर्मनी के ऊपर डेनमार्क है, इस साइड में नीदरलैंड है, नीदरलैंड के नीचे बेल्जियम है, यहाँ पे छोटा सा देश जिसको बोलते हैं लग्जमबर्ग, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे क्या है? फ्रांस है। ये वाला कौन है? फ्रांस है, इसको याद रखिएगा, ये फ्रांस है। और अब मैं आपको बता दूँ आसपास की वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी हैं। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इस साइड में उत्तरी सागर दिखेगा, क्योंकि यहीं पर आप देखेंगे तो ब्रिटेन है, और यहाँ पर उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर के बाद यहाँ पर देखेंगे तो बाल्टिक सागर पड़ेगा, और ऊपर की तरफ नॉर्वेजियन सी है। तो आइए देखते हैं इसमें और डीप में कौन कौन सी खाड़ियाँ वगैरह पड़ती हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे खाड़ी जिसको बोलते हैं बोथनिया की खाड़ी जो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में पड़ती है। नीचे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे खाड़ी पड़ती है जो फिनलैंड और एस्तोनिया के बीच में है, इसको बोलते हैं फिनलैंड खाड़ी। तो इसी के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला हिस्सा पूरा क्या है? ये रूस है। ये वाला हिस्सा इधर क्या है? रूस है। तो रूस का एक फेमस शहर सेंट पीटर्सबर्ग यहीं पड़ता है, इसी खाड़ी के बिल्कुल पास में। हम देखेंगे तो यहाँ पे मतलब ये वाले पोर्शन में यहीं पे जैसे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे कड़ी पड़ेगा सेंट पीटर्सबर्ग, जो रूस का वित्तीय केंद्र के नाम से भी फेमस है, तो उसको आप याद रखिएगा। तो उसी के नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा जो छोटा सा बचा हुआ है, ये रीगा की खाड़ी है, रीगा की खाड़ी, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे पूरा पोर्शन क्या? बाल्टिक सागर है। दरअसल आप सुनोगे बाल्टिक स्टेट, तो बाल्टिक स्टेट कौन कौन से, मतलब बाल्टिक राज्य कौन कौन से, तो ये तीन है, एस्तोनिया है, लाटविया और लिथुआनिया है। आप देख रहे होंगे मैप में तो बाल्टिक देश से ये तीन देश सीमा बनाते हैं, खैर बाल्टिक देश से और भी देश सीमा बना रहे हैं, लेकिन बाल्टिक स्टेट की सीमा इन्हीं तीन को बोलते हैं, तो राज्य एस्तोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को। अब ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ये रूस का हिस्सा है, ये भी याद रखिएगा। और हम यहाँ पर देखेंगे तो वाटर बॉडी जैसे मैंने बताया ये उत्तरी सागर है, यहाँ पे दो जलसंधियाँ हैं, स्कैगेरा को कैटेगाट, इनको भी हल्का से याद रखेगा। यहाँ पे दरअसल ये जो डेनमार्क का आप देख रहे हैं ये प्रायद्वीप है डेनमार्क का, जिसको बोलते हैं जूटलैंड प्रायद्वीप है, इसी को काट करके एक नहर बनाएगी जिसको बोलते हैं कील नहर। तो कील नहर दरअसल उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, ये याद रखिएगा। इसी नहर पर स्थित है कोपेनहेगन इसी नहर पर स्थित है, जिसको क्या बोलते हैं बाल्टिक सागर की कुंजी के नाम से जानते हैं कोपेनहेगन को, ये भी याद रखिएगा। तो कील नहर किसको किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, ये भी याद रखिएगा। और मैं बता दूं इनमें उपमाएं किसको क्या क्या देते हैं, तो बता दूं आपको नॉर्वे को किसकी उपमा दी जाती है? नॉर्वे को कटे फटे देश से मतलब फ्योर्ड तट की उपमा दी जाती है। तो ये दरअसल आप देखेंगे नॉर्वे का ये तट पूरा कैसा है, काफ़ी कटा फटा है। इसका कारण यही कि इस तरफ से आप देखेंगे तो यहीं से गल्फ स्ट्रीम की जलधारा आती है, तो इस जलधारा का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि तटों को काट देती है, इस यहाँ पे फ्योर्ड का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे और यहीं पे आप देखेंगे तो आयरलैंड है, आयरलैंड का तट भी कुछ इसी तरह आपको दिखेगा मैप में भी आप देखेंगे तो काफ़ी कटा फटा कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से दिखेगा कटा फटा सा, इसलिए इसको फ्योर्ड तटों का देश भी बोलते हैं नॉर्वे को। और स्वीडन की खासियत में बता दूँ, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। और स्वीडन के बारे में बता दूं यहाँ पे एक फेमस चीज़ मतलब प्लेस है जिसको बोलते हैं करुणा क्षेत्र, जो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। फिनलैंड को हम हज़ारों झीलों का देश बोलते हैं, फिनलैंड को, ये भी याद रखेगा।
और फिनलैंड की मतलब देखेंगे तो दूसरी सबसे उत्तरतम राजधानी, पहले तो आइसलैंड की रेक्याविक है और दूसरे नंबर पे क्या फिनलैंड। आप देखेंगे यहीं पे एक देश पड़ेगा आइसलैंड जिसको बोलते हैं, तो उसको याद रखिएगा फिनलैंड को, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मैं बता दूँ पोलैंड है, पोलैंड की खासियत कुछ खास नहीं है, राजधानी वगैरह याद रखिएगा। जैसे पोलैंड की वारसा है, जो किस नदी के किनारे कौन कौन सी राजधानी है इससे प्रश्न आते हैं, तो उनको आप याद रखिएगा इसमें। और मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तीन देश, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, इन तीनों को एक समूह क्या कहलाता है, बेनेलिक्स कहलाता है। जिनमें बेनेलिक्स में कौन कौन है, बे से बेनेजियम, ने से नीदरलैंड, लेक्स से लग्जमबर्ग है तीनों। लग्जमबर्ग यूरोपीय संसद का मुख्यालय भी, नीचे फ्रांस है, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे शुरू हो जाएगा इसी के नीचे स्पेन, और स्पेन के पास में बिल्कुल क्या, पुर्तगाल। तो फिलहाल इस वीडियो में मतलब मैं करंट अफेयर मतलब कि ये विश्व भूगोल के मैप में हम ये इस वीडियो को बता रहे हैं। इसके विस्तृत जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मेरा विश्व भूगोल का वीडियो देखिए, जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा। तो फिलहाल आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे सूचकांक, सूचकांक में शुरुआत करेंगे। तो मैंने पहले दो बता दिए थे, आइए तीसरा देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2018 में भारत का स्थान 136वां है, ये भी याद रखिएगा, भारत का स्थान 136वां है। कई किताबों में 137 दिया हुआ है, तो आप 136 याद रखिएगा, 136 ही आइए। हम आपको ऑथेंटिकेट मतलब आप देख लीजिए, उसी के साइड से मैंने निकाला, काफ़ी ऑथेंटिकेटेड है। तो आइए देखते हैं इसमें भारत का स्थान कितना है। तो भारत का स्थान अगर जो हम देखेंगे तो ये आप ये देख लीजिए, इंडिया है, इंडिया का स्थान कितना है, काफ़ी ऑथेंटिक डाटा है, आप याद रखिएगा। 136 नंबर पे है, 137 पे क्या है, फिलीपींस है, तो याद रखिएगा ये। आइए देखते हैं, तो वैश्विक शांति में सबसे पहले स्थान पे कौन है, आइसलैंड है, अंतिम पे कौन है, सीरिया है। और वैश्विक नवाचार में भारत का स्थान 57 है, और प्रथम पे स्विट्जरलैंड, अंतिम पे यमन है। और नेक्स्ट देखेंगे वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 130 है, और पहले पे हांगकांग, अंतिम में उत्तर कोरिया है। फिर नेक्स्ट है समावेशी विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान 62वां है, प्रथम नॉर्वे, अंतिम मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक की राजधानी आप कमेंट करके बताइए क्या है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2018 में भारत का स्थान 44वां, प्रथम पे USA, अंतिम कौन सा है, वेनेजुएला है। फिर वैश्विक उद्यमता सूचकांक भारत का स्थान 68वां है, प्रथम पे USA, अंतिम पे क्या है, चार्ड है। नेक्स्ट है लोकतंत्र सूचकांक 2018 भारत का स्थान 42वां, प्रथम पे नॉर्वे, अंतिम पे उत्तर कोरिया है। नेक्स्ट है प्रथम विदेशी निवेश विश्वास सूचकांक में भारत का स्थान 11वां है, प्रथम पे USA, अंतिम ब्राज़ील है। नेक्स्ट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2018 में भारत का स्थान 78वां है, प्रथम स्वीडन, अंतिम जिम्बाब्वे है। नेक्स्ट है वैश्विक विनिर्माण सूचकांक 2018 भारत का स्थान 30वां, प्रथम पे जापान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया, भारत का स्थान 177वां है, प्रथम पे स्विट्जरलैंड, अंतिम में बुरुंडी है। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 भारत का स्थान 81वां है, प्रथम पे स्विट्जरलैंड, अंतिम पे यमन है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक भारत का स्थान 81वां है, प्रथम पे न्यूजीलैंड, अंतिम में सोमालिया है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत का स्थान 14वां है, प्रथम स्वीडन, अंतिम सऊदी अरब है। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2017 भारत का स्थान 108वां है, प्रथम आइसलैंड, अंतिम यमन है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2018 भारत का स्थान 6ठा, प्रथम पे कौन, वनुआतु है। वैश्विक सुगंधता सूचकांक में भारत का स्थान 100वां, प्रथम पे न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, यही डूइंग बिजनेस भी है, याद रखेगा ये व्यापार सुगमता। तो नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक भारत 8वां, प्रथम इराक। नेक्स्ट है वैश्विक पासपोर्ट पावर सूचकांक 2018 में हम देखेंगे तो भारत का स्थान 66वां, प्रथम पे कौन है, सिंगापुर है, मतलब कि सिंगापुर का पावरफुल जो पासपोर्ट है उसकी पावर सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक भारत का स्थान 40वां, प्रथम पे स्पेन है, और अंतिम में कौन है, यमन है। फिर ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 3rd है, पहले पे चीन, दूसरे पे इंडोनेशिया है, ये सभी आप याद रखेगा। तो फिलहाल जो प्रमुख सूचकांक है उसमें इतना ही है, कुछ हैं जो अपडेट नहीं हुए हैं जो 2017 के हैं, तो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अगर जो अपडेट होते हैं तो इंपॉर्टेंट होंगे, जो भी अपडेट होंगे आपको आगे बता दिया जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।